स्किन एलर्जी दूर करने के लिए अपनाएं ये घरेलू उपाय। लेकिन उससे पहले, अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और घंटी वाले बेल आइकन को भी दबाएं, जिससे मेरी आने वाली वीडियो आप जल्द से जल्द देख सकें। स्किन एलर्जी होने पर अपने बॉडी को अधिक से अधिक हाइड्रेट रखें। बदलते मौसम में एलर्जी की प्रॉब्लम होना आम बात है, जिसमें से स्किन एलर्जी भी एक है। एलर्जी होने के कारण त्वचा का लाल होना और खुजली जैसी परेशानी हो जाती है, जो बाद में धीरे धीरे चरम रोग का कारण भी बन सकती है। स्किन एलर्जी को दूर करने के लिए हम घरेलू उपचार भी अपना सकते हैं। ऐसे में कुछ आसान से घरेलू उपाय अपनाकर इस प्रॉब्लम को दूर कर सकते हैं। मौसम में बदलाव, धूल मिट्टी कणों के कारण, जानवरों को छूने के कारण, दर्द निवारक दवाओं का सेवन, टैटू का त्वचा पर बुरा प्रभाव, किसी फूड के कारण ड्राई स्किन में त्वचा में एलर्जी, किसी कीड़े मकोड़े का काटना एलर्जी के लक्षण, त्वचा पर लाल धब्बे पड़ना, खुजली होना, फुंसी दाने हो जाना। एलोवेरा जेल और कच्चे आम के पल्प को मिक्स करके स्किन पर लगाएं। इस लेप को लगाने से स्किन एलर्जी की जलन, खुजली और सूजन में राहत मिलेगी। अधिक पानी पीना। स्किन एलर्जी पर आप अपने बॉडी को अधिक से अधिक हाइड्रेट रखें। इसके लिए एक दिन में कम 10 गिलास पानी जरूर पिएं। अधिक पानी का सेवन आपको सनबर्न और फ्लू से बचाएगा। कपूर और नारियल तेल। कपूर को पीसकर उसमें नारियल का तेल मिक्स करें। इसके बाद इसे खुजली वाली जगह पर लगाएं। दिन में कम से कम 2 बार इस मिक्सचर को लगाने से आपकी एलर्जी की प्रॉब्लम दूर हो जाएगी। फिटकरी। एलर्जी वाली जगहों को फिटकरी के पानी से धोएं। उसके बाद इस पर कपूर और सरसों का तेल मिक्स करके लगाएं। आप चाहें तो इसकी जगह फिटकरी और नारियल का तेल मिक्स करके भी लगा सकते हैं। नीम। एंटीबैक्टीरियल और एंटी इन्फ्लेमेटरी गुणों से भरपूर नीम एलर्जी की समस्या को दूर करने का रामबाण इलाज है। इसके लिए नीम के पत्तों को रात के समय पानी में भिगो दें और सुबह इसका पेस्ट बना कर लगाएं। इससे आपकी स्किन एलर्जी मिनटों में गायब हो जाएगी।